नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा अपडेट बताने वाले हैं साथियों। जैसा सभी स्टेट का प्रावधान है दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जॉब जो हर एक स्टेट में है, उसके साथ साथ हर एक जॉब में ये सिस्टम होता है कि कुछ लिमिट समय तक अगर आप जैसे जॉब करते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो आपको कुछ पैसे के रूप में बॉन्ड जमा करने होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अच्छी जॉब पाकर जॉब को छोड़ा, तो उनके यहाँ पर बॉन्ड की राशि जमा नहीं की हुई है, तो उनको बॉन्ड जमा करना होगा। दोस्तों ये परेशानी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए है। वो सोचते हैं कि मैंने छोड़ दिया, मुझसे कुछ भी नहीं मांगा गया। तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, ये गवर्नमेंट का पैसा है और आपको बॉन्ड जमा करना ही होता है। तो अभी जो अपडेट आया है ये कौन से स्टेट का है मैं आपको बता देता हूँ डियर साथियों, जिसमें अलग अलग तरीके से कैंडिडेट्स को बताया गया कि इतने कैंडिडेट्स हैं और इनका जमा हो चुका है और इनका जमा नहीं हुआ। दोस्तों बॉन्ड की राशि है 1.5 लाख रुपये। इसका जो समय था मैं आपको बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों देखिए पूरा पीडीएफ है यहाँ पे। दोस्तों बात करेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की। जी हाँ, जो भी बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको बॉन्ड के बारे में बताया गया है जिन्होंने बॉन्ड जमा नहीं किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स राजस्थान के थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स यूपी के थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स अदर स्टेट के थे जो बिहार में जॉब करके उनका अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया और चले गए और उनको बॉन्ड की राशि उन्होंने जमा नहीं कराई। तो उनके लिए ये लेटर जारी किया गया है, तो उसमें लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों कि जिन्होंने बॉन्ड जमा नहीं कराया है वो बॉन्ड जमा कराएं और उसकी राशि है दोस्तों 1.5 लाख रुपये। और इसमें बताया गया था दोस्तों कि 18 महीने तक अगर जॉब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बॉन्ड की राशि जमा नहीं करनी होगी। 18 माह की सेवा ना देने की स्थिति में ऐसे प्रत्येक सीएचओ द्वारा 1.5 लाख रुपये जमा कराना किया जाना था। तो ऐसे में 96 सीएचओ के प्रति सीएचओ 1.5 लाख की दर से कुल इतना पैसा हो रहा है। तो इस तरीके से इनमें से कुछ पैसे कुछ कैंडिडेट्स ने जमा करा दिया है, कुछ कैंडिडेट्स ने जमा नहीं कराया है। ठीक है, उसके चलते यहाँ पर बीएनआरसी के लिए भी बड़ा अपडेट है। जिन्होंने बीएनआरसी नहीं कराया उनके लिए भी अपडेट है। ठीक है, तो बॉन्ड का पैसा जिन्होंने नहीं जमा कराया उनको जमा कराना होगा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग देख सकते हो आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं रिमेनिंग है, उन्होंने जमा करा दिया है। ठीक है, तो ये बड़ा अपडेट था दोस्तों। देख सकते हो ऑफिशियल यहाँ पे जो है महालेखापाल बिहार पटना की लेटर लगा हुआ है और बॉन्ड की राशि इतनी वसूली जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट था। आप सबको पता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिगार्डिंग हर एक स्टेट की अपडेट हम आपको बताते हैं और आगे बताते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही साथियों।